सैमसंग M40 है उसकी लीक वीडियो टेक्निकल गुरुजी ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सैमसंग का M40 है उसमें आपको कैसी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल सकती है। सो गाइस, जो स्पेसिफिकेशन लीक होकर आती थी सेम स्पेसिफिकेशन आपको वही देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आपको लीक्स में देखने के लिए मिलती थी सेम स्पेसिफिकेशन आपको सैमसंग गलेक्सी M40 में देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, बात करें इसका डिस्प्ले के साइज के बारे में, तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको जो रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा वो फुल HD प्लस का देखने के लिए मिलेगा। कोई भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M40 में। सो गाइस, बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 675 यूज किया जाएगा, जो आपको सेम रेडमी नोट 7 प्रो में देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, जो रेडमी नोट 7 प्रो की प्राइस है वो 14,000 रुपये है, जबकि जो सैमसंग गैलेक्सी M40 की प्राइस होगी वो 20,000 के अंदर होगी। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलेंगे। पीछे वाली साइड एक 16 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का और एक 5 मेगापिक्सल का। जो 16 मेगापिक्सल का होगा वो रियर पर काम करेगा, जो 8 मेगापिक्सल का होगा वो वाइड एंगल का काम करेगा, और जो 5 मेगापिक्सल का होगा वो पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के लिए काम करेगा। सो गाइस, बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जिससे आप पोर्ट्रेट सेल्फीज ले सकते हो। सो गाइस, बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन और इसकी कस्टम UI के बारे में, फोन में आपको एंड्रॉइड पाई देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको सैमसंग की वन UI देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस 20,000 के स्टार्ट होगी, जिसमें आपको 6GB की रैम 64GB की स्टोरेज भी देखने के लिए मिल सकती है, या सिर्फ एक ही वेरियंट देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने के लिए मिल सकती है। सो गाइस, मेरे ख्याल से आपको स्नैपड्रैगन का 675 सैमसंग के M40 में देखने के लिए मिलता है, और सेम प्रोसेसर आपको रेडमी नोट 7 प्रो में देखने के लिए मिलता है, जबकि जो रेडमी नोट 7 प्रो है वो मेरे ख्याल से अच्छा फ़ोन है और आपको अच्छी प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है, जबकि जो सैमसंग का M40 है उसमें आपको पंच होल की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, तो आपकी लुक को इतना अच्छा नहीं बनाता, क्योंकि ऐसा लगता है स्क्रीन में कि कोई गड्ढा सा बन गया है जो हमारे कैमरे में देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो लुकिंग वाइज देखा जाए और स्मार्टफोन को देखा जाए, तो सैमसंग का जो M40 है वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी M40 के बारे में। सो गाइस, जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।